कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों युवा बाघ अपना दमखम दिखा रहे हैं। इन व्यस्क बाघों में बाघिन के लिए झगड़े आम हो चुके हैं। बाघों में वर्चस्व की यह लड़ाई अब पर्यटकों के सामने भी हो रही है, जिसे लोग अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों में बाघिन को लेकर आपसी लड़ाई चल रही है। इसके चलते पार्क के सरही रेंज में दो बाघ आपस में भिड़ गए। इसी कड़ी में पिछले दिनों मुक्की रेंज के बाबा ठेंगा तालाब के पास दो बाघ आपस में लड़ते नजर आए थे। कान्हा पार्क प्रबंधन बाघों को लड़ने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, जिससे बाघों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि जब हाथी गश्ती दल को पता चलता है कि बाघिन को लेकर बाघों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, तो ऐसे समय में गश्ती दल किसी एक बाघ को दूर तक खदेड़ देता है, जिससे बाघ आपस में नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रबंधन द्वारा ऐसे कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जबकि 3-4 दिनों में ही मुक्की तथा सरही रेंज में वर्चस्व की लड़ाई जारी है और बाघिन को आकर्षित करने के लिए बाघ अपनी जान पर खेल रहे हैं। मुक्की रेंज के बाबा ठेंगा तालाब के पास जब दो बाघ एक बाघिन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई कर रहे थे, उसी समय पर्यटकों ने इनकी आपसी लड़ाई के दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लिया। साथ ही कुछ पर्यटकों ने इसकी वीडियो भी बनाई। बाघिन को लेकर T20, T24 बाघ के बीच में काफी देर तक लड़ाई हुई। वहीं बाघिन T27 चुपचाप यह नजारा देखती रही। कान्हा नेशनल पार्क की उप संचालक अंजना सुचिता तिर्की का कहना है कि बाघिन पर वर्चस्व बनाने के लिए बाघ आपस में लड़ाई करते हैं, ये स्वाभाविक है। हाथी गश्ती दल से मॉनिटरिंग चलती रहती है। कई बार हाथी गश्ती दल द्वारा बाघ को हटाया जाता है और वर्चस्व की लड़ाई में अगर बाघ घायल होता है तो इसका इलाज भी किया जाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।